जगह की कसौटी के साथ फोर स्टार कैफे में खुश आमदीद कहते हैं जी आपको। अस्सलाम वालेकुम, कबूल कीजिएगा और खुश रहें, आबाद रहें, सब्सक्राइब करें, एंड तक कसौटी को ज़रूर देखें। इन्फॉर्मेशन आती है, सैर करने चल रहे हैं पूरी दुनिया की, कहीं से भी जगह है ये पूछेंगे हमसे और हम बूझेंगे। तो हमने करने सवाल, इन्होंने देने हैं जवाब। स्टार्ट किया जाए जी? जी बिल्कुल, जगह की कसौटी स्टार्ट करते हैं। जी जो मकाम आपने हमसे पूछा है वो एशिया में है? जी जी। पाकिस्तान में है? जी। सिद्धि आ गए सर, तुक्का लग गया, क्या करें। और वैसे हम रूटीन में भी यूं ही आते हैं। क्या आपने कोई बिल्डिंग पूछी है? जी जी। ओ भाई, अब पता है क्या लोगों ने लोगों ने कह रहे हैं इनको पता है। अच्छा आगे तो इट्स ओके। अच्छा इन्होंने जी इमारत पूछी, आगे तो चलो मैं अभी बताता हूँ। अच्छा क्या ये बिल्डिंग जी मजहबी भी है, सियासी भी है, एक सेकंड, ताज की भी है? क्या ये बिल्डिंग पंजाब में है? जी। 4G। अच्छा जी पंजाब में हो गई, एक मिनट ठहरे। ये दरबार भी हो सकता है, मजहबी जगह भी हो सकती है, तारीखी जगह, तारीखी जगह, मुझे लग रहा है तारीखी है, और ब्रिटिश राज की भी जगह मुझे लग रहा है, शायद ब्रिटिश से पहले की तारीख मुझे लग रहा है, हो सकता है कि इन्होंने कोई टॉम या कला या कोई ऐसी चीज पूछी। इमारत है ये तो कन्फर्म, इमारत है बिल्कुल कन्फर्म, इमारत है। सवाल बड़ा क्या कहते हैं, तारीखी कर ले, मुझे लगता है कि वो भी ओके हो जाएगा, फिर आगे चले जाएंगे। चले पूछें जी। अब इसमें रूल आउट क्या होगा, ब्रिटिश रूल आउट हो जाएगा? कोई बिल्डिंग भी तो आप ब्रिटिश रूल, बेशुमार सारे कले तारीखी, सारी बादशाही मस्जिदें ये सारी, लेकिन ब्रिटिश इमारतें निकल जाएंगी, रेलवे स्टेशन निकल जाएंगे, ब्रिटिश का सारा दौर चला जाएगा, तहरीक पाकिस्तान के बाद की बिल्डिंग्स चली जाएंगी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान चली। सर 1947 से पहले की आप पूछना चाह रहे हैं राइट? जी, तारीख वहीं चली जाएगी। नहीं, ब्रिटिश, ब्रिटिश यानी के 1947 से कोई 100-200 साल पहले की। तो इसका सवाल आप कैसे करेंगे? के बाद मैं तारीखी पूछूंगा ना, ब्रिटिश तारीखी। अच्छा चले पूछ लें कि वो तारीखी को क्या कंसीडर करते हैं। अच्छा आप कहते हैं कैसे है, तो फिर हम पूछते हैं कि ये 1857 से पहले की इमारत है या बाद की। बिल्कुल, क्योंकि उसके बाद तो किसी भी हुक्मरान ने नहीं बनाई इमारत, उसके बाद जितनी कंस्ट्रक्शन की वो सारी ब्रिटिश ने की, या फिर 47 के बाद, या फिर 47 के बाद पाकिस्तानी। ये तीन एरास बन रहे ना, 1857 से पहले तामीर की गई जी ये इमारत। जी, जी। तारीखी इमारत है, मुझे गट फील ही जा रही है, हमारी 5G हो गए। असल में वो ये था ना कि मैं चाह रहा था कि फिर ये ना कहे ना कि नहीं जी वो तारीखी क्या ले रहे हैं, तो वैसे नहीं ये डिफाइन हो गया, अब ये हो गया ना 1857 से, आइंदा भी हम इस चीज का एरा का ख्याल करेंगे तो ठीक हो गया, तो ये कोई तारीखी तारीखी इमारत है जी। अच्छा अब एंशियंट में चले जाएंगे तो हुक्मरानों से पहले की इमारतें, मुझे लग रहा है ये कोई मुगलिया दौर की कोई नहीं। सर मुझे पता क्या लग रहा है, एक चीज पूछे, मजहबी है? बिल्कुल पूछते, मुझे ये कोई औलिया कराम में से किसी का ना मजार, मजार लग मुझे भी गट फील है, मस्जिद मजार ये जी, मजहबी नौयत की इमारत है। मजहबी नौयत की इमारत से मतलब क्या है कि जी उसमें मैं लिस्ट पेश कर देता हूं। मैं आपको बताऊं ना कि मजहबी नौयत से मतलब कि जी उसमें कोई दीनी काम होते रहे हैं या वो दीन से बिल्कुल ताल्लुक, कोई भी मस्जिद या उस तरीके की हवाले से दरबार मजहब से पता, मजहब से ताल्लुक तो सर मैं बना दूंगा भी एक मिनट में, नहीं है जी नहीं बना पाएंगे आप, नहीं है नहीं है, मजहबी नहीं जी, मजहब से ताल्लुक नहीं। ठीक है, अच्छा एक चीज और क्लियर करने दे, 6 सवाल ही हुए हैं ना अभी। जी जी जी। तो क्या ये बिल्डिंग साउथ पंजाब में है? जी जी। सर ये कोई कला भी हो सकता है, अब उसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ, कला द्रावड़ तो नहीं? जी कला द्रावड़ जी। अच्छा उसके बाद फिर अगर आप नूर महल वगैरह की तरफ जाएंगे तो उसे आप कहाँ, कौन सी कैटेगरी फॉल कर रहे हैं? नवाबों ने बनाई है, नवाबों की आ जाएगी, या तो ये कोई भावलपुर में कोई के करीब है, या ये फिर ये जो हम कला द्रावड़ कह रहे हैं, कला कोना कासिम बाग भी हो सकता है। हाँ जी ठीक है ना, या फिर ये जो है ना कोई मुल्तान में, कोई मुल्तान की सराउंडिंग देखे आप कोई, या इस तरफ दरबार सारे फारिग हो गए ना, डीजी खान वाली साइड पे कोई सारी फारिग हो गई जी, डीजी खान राजनपुर में आप जाते हैं, ख्वाजा गुलाम फरीद का जी बाजार एक, और ये है भी 1857 से पहले की कोई, तो ये मोस्ट प्रोबेबली ना मुझे कोई कला टाइप कला है, कोई मजहबी नहीं है तो वो दरबार दरबूर निकल गए हैं, तो फिर हुकूमत या बादशाहत से उसका कोई ताल्लुक निकाल लें। हाँ निकालें, कैसे क्या करेंगे जी, किसी बादशाह ने तामीर किया उसको,
एक मिनट, कला द्रावड़ जो है, या कले का सवाल कर ले डायरेक्ट कि कोई कला है? जी जी, ये इमारत कोई कला है? जी जी जी, बस बात ही खत्म हो गई। क्या ये मुल्तान में वाकई है? नहीं। क्या ये अहमदपुर शर्किया के करीब वाकई है? जी जी। आपने कला द्रावड़ पूछा बगैर टाइम जाया किए। जी, और जी ये जो किला द्रावड़ है, ये पहले बनाया गया था 9th century में ना? ठीक है, 9th century में, और इसको रीबिल्ड किया गया 1732 में। ठीक है, नवाब सादिक मोहम्मद खान ने इसको रीबिल्ड किया था, अहमदपुर ईस्ट के नज़दीक है। और ये जो पहले बना था वो था राजा जया सोलंकी, ठीक है, एक हिंदू राजपूत रूलर था, उसने बनाया था। ठीक है, उसके बाद फिर इसको रावल धोरज भट्टी और किंग ऑफ जैसलमेर और बहावलपुर के जो किंग थे, उन्होंने इसको दोबारा फिर तामीर करवाया। और कमाल जगह है, यहाँ पे रैलीज भी होती हैं, यहाँ पे अब वहाँ पे उसके सराउंडिंग में इसको तारीखी हैसियत भी इसकी है। लेकिन इसका एक और जो इस टाइम जो इसका है कि वहाँ पे वो जो चोलिस्तान में रैली होती है, उसकी वजह से इसकी प्रोमिनेंट ज़्यादा हो चुकी है। पहला है द्रावड़ जो है वो एक इंतहाई पुरशिकोह इमारत है, बहुत ही खूबसूरत है। उसका एंट्री का गेट लकड़ी का बना हुआ, बहुत बड़े साइज का है। आप गए हैं सर वहाँ पे? नहीं, मेरा नहीं। जरूर जाइए, बच्चों को लेकर जाइए। उसका रास्ता भी बड़ा खूबसूरत है, उसमें एक डेजर्ट है जो बिल्कुल वाइट सैंड डेजर्ट की तरह फील देता है आपको जी। और कई मील तक ताहद नजर वो बिल्कुल स्ट्रेट है, जिसमें जीप आप दौड़ा सकते हैं। उसमें कोई रेत वगैरह भी नहीं है, मट्टी का वो बहुत खूबसूरत एक रास्ता है। फिर वहां पर आपको एक और मस्जिद जो है वो जो नवाबों ने बनाई थी वो बहुत ही खूबसूरत है। कुछ उनकी एक जनाजा गाह है, वो भी एक तारीखी हैसियत रखती है। उसके एंट्री से पहले, वहां दाखिल होने से पहले, कहने में आता है मुबैना तौर पे, जो इलाकाई लोग बताते हैं, कुछ सहाबियों की कबूर भी वहां पर मौजूद हैं। वो कब्र मुबारक भी वहां पर हैं और वो उन्हें असहाब कहते हैं, सहाबी हैं, तो तबा ताबीन या ताबीन नहीं है, सहाबी हैं। तो वहां पे जाहिर है उनके नामों की वो भी दर्ज है। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, देखने के काबिल है। और इससे आगे चोलिस्तान का वो खूबसूरत डेजर्ट स्टार्ट होता है जो कि रियल फील रखता है, बिल्कुल। और वहां से मिट्टी तक आप चले जाएं तो ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, आई लव इट। और इसके बिल्कुल सेंटर में एक तोप भी पड़ी हुई है। जब आप किले में दाखिल होते हैं, उस तोप को आप देखते हैं, तो आपको अंदाजा होता है कि ठीक है, एक छोटा सा किला था। और ये भी कहते हैं कि ये यहाँ से तकरीबन 50 किलोमीटर तक दूर वाकई जो महलात थे, अब्बासी महल हो गया, नूर महल हो गया, मुमताज महल हो गया, दीगर बहुत सारे महल हैं, तो अंडरग्राउंड रेल का एक सिस्टम था जिसमें ट्रैवल करते थे ये लोग, और इस किले तक भी आ सकते थे और इस किले से उन महलों तक भी चले जाते थे। और वो निज़ाम अभी भी मौजूद है, टूट फूट गया है, लेकिन वो अगर आप नीचे जाएं तो वो चीज़ें उन्होंने उस तरह से प्रिजर्व करके रखी। जबरदस्त, वेरी गुड, जबरदस्त, बहुत।